कभी कभी हमें किचन में घुसने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ऐसा लगता है कि कुछ फटाफट वाली रेसिपी मिल जाए जिसे हम जल्दी से बना के बाहर निकल जाए, क्योंकि किचन में घुसना वाला किसे पसंद है ज़्यादा काम करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ऐसी एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप देखते ही बनाओगे, फटाफट बनती है, टेस्टी भी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और राधा जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट बिना देरी कर। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें आलू बॉइल्ड वगैरह किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं होता है। बस क्या करना है, दो कच्चे आलू लेने हैं और आलू को छील लेना और छीलने के बाद कद्दूकस कर लेना। कद्दूकस करने के बाद दो तीन बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेना, क्योंकि काफ़ी स्टार्च आता है आलूओं में तो वो कम हो जाता है। और उसके बाद इनको पानी में ही डले रहने देना है, पानी से बाहर लच्छों को नहीं निकालना वरना लाल पड़ जाएंगे। गैस ऑन करके हमने यहाँ कढ़ाई रख दी, इसमें दो चम्मच छोटी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। आप यहाँ कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो जो भी आप रेगुलर में खाते हो। ऑयल गर्म होने के बाद एक छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच हमें राई डाल देना है। दोनों को थोड़ा सा चटक जाने देंगे, चटकने के बाद इनका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो एक छोटी सी हमने प्याज ली थी उसको बारीक कट करके इसमें डाल दिया। एक हरी मिर्च ली है उसको भी बारीक कट करके डाल दिया। तीखा आप आपके हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। दो तीन लहसुन की कली ली थी उनको भी बारीक कट करके इसमें हमने डाल दिया है। सुबह के टाइम पर काफ़ी लोग प्याज या लहसुन नहीं खाते हैं तो वो लोग स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी नाश्ता टेस्टी ही बनता है। एक अदरक का टुकड़ा लिया था छोटा सा, उसको खल्लड़ में हमने कूट के डाला है। आप चाहो ना तो यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो सभी चीज़ों को हल्का सा सोटी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चापन निकालना है। और उसके बाद जो आलू के लच्छे हैं ना उनको अच्छे से पानी में से निचोड़ते हुए आपको इसमें डालना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को हमें छोटा छोटा नहीं काटना है, मोटा मोटा काटना है कुछ इस तरीके से, जिससे नाश्ते में खाएंगे तो टेस्टी लगता है। और हमने यहाँ हरा धनिया डाल दिया है धोकर कट करके। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले डाल दिए तो आधी छोटी चम्मच के लगभग हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। आप यहाँ ना पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकती हो। और एक चम्मच हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया लिया है, जिससे क्या होगा रेसिपी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें नमक डाल देना है और सभी चीज़ों को यहाँ अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कप पानी डाल देंगे, जिससे क्या होगा आलू जो है हमारे जल्दी से पक जाएंगे। तो इसको कवर करके रख देंगे। उससे पहले आप यहाँ मिक्स कर देना और कवर करके इसको रख देना करीब एक से डेढ़ मिनट, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि हमने पानी डाला है ना तो उसकी वजह से आलू के लच्छे जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हो पानी भी इन्होंने कितने अच्छे से पी लिया है और एकदम बढ़िया हमारे आलू के लच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। पूरी तरीके से घुलाने नहीं है हमें, हल्की सी इनमें कसर रखनी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा क्रंचीनेस रहना चाहिए, जिससे क्या होगा टेस्ट अच्छा आता है नाश्ते में। तो एक कप हमने यहाँ सूजी ले लिया है, तो सूजी को छान लेना, बारीक या मोटी किसी भी सूजी का यूज़ कर सकते हो नाश्ते में, क्योंकि सूजी से इस नाश्ते को हम बना रहे हो, सूजी तो हर किसी के घर में रहती है। तो अब क्या करेंगे, सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ही आपको इसमें जितनी सूजी ली उतना पानी डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी आपकी सूजी में गुठले वगैरह कुछ नहीं पड़ते। गैस की फ्लेम इस टाइम पर आप यहाँ मीडियम कर लेना और एकदम हमें सूजी का यहाँ आटा लगा के तैयार करना है। आप थोड़ी देर में देखोगे तो एकदम बढ़िया सूजी का यहाँ डो लग जाएगा अपने आप में। आपको यहाँ पर डेढ़ से दो मिनट के लगभग टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सूजी जो है जल्दी से फूल जाती है पानी में जाते ही। तो देख रहे हो एकदम बढ़िया सा डो लग गया। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडी सूजी होगी जब तक ये और भी अच्छे से फूल जाएगी सूजी हमारी। आप देख रहे हो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, सूजी हमारी एकदम बढ़िया फूल चुकी है, बिल्कुल भी इसमें आपको कच्चापन का टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना तो उसकी लोई लेते हैं ना, उतनी बराबर आटा ले लेना है, मतलब सूजी का डो। और उसके बाद इसको आपको यहाँ गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा चपटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो एकदम बढ़िया आलू की टिकिया नहीं खाते अपन मार्केट में, वैसा हमारे नाश्ते का यहाँ टेस्ट आएगा, टेस्ट भी आएगा साथ में लुक भी इसका ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि आलू डाला है तो आलू की टिक्की जैसा इसमें स्वाद भी आता है। तो सभी को ऐसे ही बना के तैयार कर लेना, बिल्कुल टिक्की के शेप में। और हमने ये तीन उंगली से इसको यूँ किया ना तो इससे काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइन भी आ जाती है। तो सभी को आपको यहाँ ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेना और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर भी तैयार हो जाते हैं। तो चलते हैं वापस से फ्रेंड्स गैस की ओर। तो गैस ऑन करके हमने क्या किया है, यहाँ पर कढ़ाई रख दिए। मैं आपको नाश्ता दो तरीके से बनाना बताऊंगी, जो भी आपको बेस्ट लगे ना उस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हो। तो ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, हमने यहाँ सोयाबीन का ऑयल लिया है तीन टेबल स्पून के लगभग। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो जो हमने टिक्की बनाई है उनको इसमें डाल देना है हमें। तो एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी आ जाए ना उतनी टिक्की आप इसमें डाल दें। आप यहाँ टिक्की की जगह इनको गोल गोल इनके बॉल्स भी बना सकते हो, या फिर आपको जैसा शेप देना हो आप वैसा शेप इनको यहाँ दे सकते हो, उसी शेप में आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इनको हल्का सा सीख जान देंगे पहले नीचे से। तो अब इनको हम यहाँ पलट देते हैं, क्योंकि एक डेढ़ मिनट के लगभग हो गया है तो अच्छे से सीख चुकी हैं। गैस की फ्लेम आपको स्लो कर देनी जब आप इनको सेको ना जब। तो देख रहे हो इनको हम पलट रहे हैं, काफ़ी अच्छे सीख चुकी हैं।
बट इनको थोड़ा और सेकेंगे हम बिल्कुल लालपन पे आ जाएंगे, जब तक इन्हें हमें अलटते पलटते हुए यहाँ सेक लेना है दोनों साइड से। तो एकदम बढ़िया हमारा नाश्ता यहाँ सिककर तैयार हो चुका है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। एक बार आप इसको सुबह के टाइम पे या दिन में भी बनाकर खाना बेहद ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो एक तरीका और मैं आपके लिए भी बताती हूँ, आपको जो भी बेस्ट लगे उस तरीके से आप यहाँ इनको बना लेना। ऑयल तो उसमें भी ज़्यादा नहीं लगता है खैर फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पर गैस ऑन करके वापस से तवा रख दिया और तवे पे ऑयल अच्छे से ग्रीस कर देंगे। थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि अब जो हमने टिक्की बनाई ना उनको हम तवे पे सेकेंगे। आप चाहो तो कढ़ाई में भी सेक सकते हो या फिर तवे पे भी सेक सकते हो, तवे पे ये जल्दी सिक जाती हैं और कढ़ाई में भी जल्दी सिक जाती है। टाइम तो बराबर ही लगना होता है, बस ये ऑयल का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ पर ये शेलो फ्राई हुई थी, यहाँ पर ये बिल्कुल एक चम्मच तेल में सिक कर तैयार होएंगी। तो जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इनको यहाँ सेक लेना। तो एक तवे पे जो है काफ़ी ज़्यादा भी आ जाती है, जैसे कढ़ाई में हमने 3 सेकी थी, यहाँ पर कितनी सारी आ गई। तो पूरे तवे पे जितनी आई उतनी हमने यहाँ इसमें डाल दी हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और यदि आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर रखा है ना, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। तो थोड़ा ऑयल ऊपर की साइड में भी इनमें हमने लगा दिया था जिससे ये अच्छे से सिक जाएंगी। तो इनको पलट देंगे हम यहाँ, आप चाहो ना तो इनको कवर करके भी सेक सकते हो या खुले में भी सेकोगे तो अच्छे से ये टिक्की सिक जाती हैं। तो गैस की फ्लेम मीडियम करके ही आप इसको सेकें। तो इनको सभी टिक्कियों को अब हम यहाँ पलट देते हैं। तो देख रहे हो कितने अच्छे से टिक्की हमारी सिक चुकी है, घर के ही सामानों से रेसिपी बनी है पर खाने में जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एकदम बना लेना आपने तो सच्ची में फ्रेंड्स खाने में मज़ा आ जाएगा। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो काफ़ी बार खा के आते हैं तो लगता है ना भाई टेस्टी खाना मिला, सेम वही वाला नाश्ता है ये। आप एक बार बना लोगे ना तो बिल्कुल मज़े आ जाएंगे आपको खाने में। तो इनको दोनों साइड से आपको ऐसे ही सेक लेना है, बहुत कम ऑयल पर ये जो है तवे पर सिक जाती है। तो इनको सभी को अलटते पलटते हुए हम यहाँ निकाल लेते हैं। जो हमने 3 उंगली छापी थी ना, तो देखो उससे कितनी प्यारी डिजाइन आ गई, बिना डिजाइन दिए हुए भी इसमें डिजाइन आ जाती है। तो आप इसको यार टमाटो केचप हरी मिर्च की चटनी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ इनको ऐसे भी खाओगे ना तो भी अच्छी लगती है। तो इनको सेकने में आपको करीब यार 2 से 3 मिनट लग जाता है तवे पे, दोनों साइड से 2 से 3 मिनट में अच्छे से सिक कर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स रेसिपी तो बन चुकी है, देख रहे हो ना कितनी टेस्टी लग रही है हमारी टिक्की। तो मैंने यहाँ दोनों तरीके से आपको बता दिया है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो ना उस तरीके से आप आपके घर में टिक्की बना सकती हो। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में कब बना रहे हो मुझे कमेंट में लिखकर बताना, साथ में रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में लिखकर बताया करो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको रेसिपी अच्छी लगती है। तो देख रहे हो ये जो हमने डीप फ्राई की थी ना, मतलब शेलो फ्राई, ये क्या है ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। और जो हमने तवे पे सेकी ना हल्की क्रिस्पीपन पे ऊपर पे, ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, देख रहे हो ना एकदम बढ़िया नाश्ता बन चुका है। गरम गरम है, हाथ भी जल रहे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। फिर फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।